नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम कोड़ीकोट बीच में हैं, फॉर्मली कैलीकट। सुबह के 9 बजे हैं, बीच में ज़्यादा लोग नहीं हैं, हार्डली 10 या 15। लेकिन अगर आप शाम के टाइम यहां 5 या 6 बजे आ जाएं तो बहुत लोग होते हैं। बाहर स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगे होते हैं वन आफ्टर दी अदर। हम वायनाड जाने से पहले यहां पर आधे घंटे के लिए रुके थे। आज दिन भर हम कैलीकट घूमेंगे, फूड एक्सप्लोर करेंगे, इंजॉय करेंगे और शाम को लौट के वापस यहाँ पर आएंगे। हम तो इंजॉय कर ही रहे हैं, मौसम अच्छा है। मैं देख रहा हूँ सामने बर्ड्स भी खूब इंजॉय कर रहे हैं सी वाटर। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं चलकर। सी बीच से वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं बॉम्बे रेस्टोरेंट यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं सुरमई फिश। पहले मैं सोच रहा था फिश करी मंगा लूं, फिर मेरे को लगा कि फिश करी तो मैं ऑलरेडी काफ़ी जगह खा चुका हूं। इस तरह से थिक ग्रेवी में काफ़ी सारे प्याज के तड़के के साथ फिश मसाला नहीं खाया। साथ में अपम। आपके रेफरेंस के लिए, आप केरला टूर के अंदर अपम पुट्टू ये दो चीज ब्रेकफास्ट में बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मालाबार क्यूजीन की बात ही निराली है। अगर आपको तीखा पसंद है तो ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। मिर्च तेज है, अपम के साथ ग्रेट कॉम्बिनेशन। लाइट ब्रेकफास्ट के तौर पे सर्विंग क्वांटिटी जस्ट ठीक है। अपम अगर थोड़ा गर्म होता, मतलब तुरंत बना होता, तो मज़ा और ज़्यादा आता। इस टूर में मैं नोटिस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं, मेरे को फिश एकदम फ्रेश खाने को मिल रही है और जो कुकिंग स्टाइल है वो एकदम अमेजिंग है। जैसे देखिए आप, सुरमे कितनी फ्रेश है और टेस्टी भी है। मैं खाते खाते नोटिस कर रहा था कि इसके अंदर कुछ तो बात है जो इतनी स्वाद लग रही है मेरे को ये प्रिपरेशन। तो इसके लिए मैंने अपने लिए एक सर्विंग और मंगा ली। मालाबार फूड वर्सेस अदर फूड। अब यहाँ की प्रिपरेशन के अंदर मैंने कुछ लोगों से पता लगाया, राइट रॉन्ग आई डोंट नो, हल्दी की रेशो ज़्यादा रहती है फूड के अंदर। कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया प्याज का और टमाटर का कड़ी पत्ता के साथ इसको बनाने में। आज के दिन की शुरुआत काफी मस्त हो गई। हम यहां द रेविज रिजॉर्ट कडावू में रुके। यहां से कैलीकट बीच लगभग 15 किलोमीटर दूर है। रिजॉर्ट तो बहुत खूबसूरत है। मुझे इस रिजॉर्ट का डिजाइन बहुत पसंद आया। मूवमेंट बाय मूवमेंट ऐसा लग रहा है जैसे हम डीप इनसाइड केरला हैं। डबल ऑक्यूपेंसी रूम टैरिफ हमको 5000 रुपीज पड़ा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। बिग साइज रूम, कंफर्टेबल स्टे। इस रिजॉर्ट की लोकेशन रिवर साइड पर है। हमें रिवर फेसिंग रूम मिला। रूम में बालकनी और अमेजिंग रिवर व्यू। रूम सर्विस, हाउसकीपिंग और स्टाफ हॉस्पिटैलिटी हमें अच्छी लगी। हम रिजॉर्ट में कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर सकते थे, जैसे कि स्विमिंग कर सकते थे, फिशिंग भी नज़दीक में ही होती है, लेकिन समय कम होने की वजह से वो सब हम नहीं कर पाए। ओवरऑल वी हैड अ गुड टाइम एंड अ कंफर्टेबल स्टे। कोड़ीकोट बीच से हम बेपुर रोड पर चले। हमें ये खूबसूरत सा व्यू दिखाई दिया, यू टर्न लिया और हम यहाँ पर पहुँच गए। उस तरफ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। वाओ, टू गुड। यहाँ रुको ये हमें किसी ने नहीं बताया था, लेकिन आके तो वाकई अच्छा लग रहा है। सोचो इतना खूबसूरत नज़ारा दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगा। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ रिवर और दोनों का आपस में संगम। लहरों का धीमी धीमी स्पीड पर रॉक्स पे टकराना और यहाँ से बैक वाटर्स की शुरुआत। केरला में वैसे भी बैकवाटर्स आप जानते हैं कितने फेमस हैं। रिवर्स, कैनाल्स, लगून, ये सब मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो समुद्र से मिलते हैं।
और हाई टाइड टाइम पे पानी अंदर जाता है. दैट इज वॉट बैक वाटर्स इज ऑल अबाउट. ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है जहाँ इस समय हम खड़े हैं. पंद्रह किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच गए बेपोर बीच. अब ये देखो नजारा जो आप सामने देख रहे हैं बहुत एक्सक्लूसिव है. बड़ी कम लोकेशंस होती हैं जहां से इतना खूबसूरत व्यू आता है और उन कम में से एक जगह तो अभी हम खड़े हैं. बीच के पास चल के आपको बीच व्यू भी दिखाते हैं. बीच पहुंचने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप समुद्र देख रहे हैं और वहां पे स्कूटर बाइक भी चल रही है. राइट हैंड साइड में बीच और बीच में इतना खूबसूरत वॉकवे. तो अगर हम इस वॉकवे से उस कॉर्नर तक जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा वहां जाकर. बहुत खूबसूरत, अति सुंदर, इतना खूबसूरत वॉकवे. लेफ्ट राइट दोनों तरफ समुद्र और हम बीच से गुजरते जा रहे हैं. इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में बोट मैंने आज तक कभी नहीं देखा. वाओ, एक किलोमीटर का सफर करके जैसे हम वॉकवे के एंड तक पहुंचे हैं यहां तो डॉल्फिन्स ही डॉल्फिन्स हैं. आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है लाइव डॉल्फिन को देखना पानी में खेलते हुए. और एक या दो नहीं कम से कम 15-20 हैं यहां पर. घंटा दो घंटे बैठो और सिर्फ डॉल्फिन्स को देखो. वाओ कितना खूबसूरत नजारा है यहां पर. डॉल्फिन्स को हम सामने खेलते हुए देख रहे हैं. टू गुड लाइफ टाइम व्यू. इतना खूबसूरत नजारा कि ऐसा लग रहा है कि एक दिन के लिए अगर आप कैलीकट आ जाएं तो इस जगह को मिस मत करिएगा. बेपोर बीच से जब आप रोड पे बाहर की ओर चलेंगे तो इस तरह से आपको शॉप्स दिखाई देंगी. वाओ कितने खूबसूरत बोट मॉडल्स हैं. हेलो, सो ब्यूटिफुल. वैसे बनता तो है कि यादगार के तौर पे एक आप ऐसा बोट मॉडल खरीद के अपने घर ले जाओ. हमारा तो लगेज इतना ज़्यादा हो गया है कि कैसे हैंडल करेंगे, बट रियली वर्थ इट. यहाँ पर एक लेडी है वो वीडियो में नहीं आना चाहती लेकिन उन्होंने हमें बताया कि इसका प्राइस 1100 रुपीज़ है. सो ब्यूटिफुल. ये जगह उरू के लिए भी फेमस है. एक उरू का मॉडल ये है और एक वो सामने. 2200, 2500, 2500, इसका प्राइस 3500. बेपोर पोर्ट के बाहर मेरी मिस्टर कुमार से मुलाकात हुई. 10 रुपीज पर पर्सन की एंट्री टिकट लेके ये हमें पोर्ट के अंदर लेके दिखाने के लिए. पहला एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी में कि मैं पोर्ट देखने आया हूँ. यहाँ पर यह रिवर पोर्ट है. राइट, 3.5 मीटर यहाँ पोर्ट पे डेप्थ है जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं. अब यहाँ से पैसेंजर शिप जाते हैं लक्षद्वीप. अगर आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर करे तो 400 रुपया पर पर्सन टिकट लेकर आप जा सकते हैं. शाम को 5 बजे शिप जाएगा, अगले दिन मॉर्निंग में 6 o'clock पहुँचेगा. अगर आपका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो आपको कोची से जाना पड़ेगा. वहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी के शिप हैं, 250, 350, 700. वहाँ के शिप साइज में ज़्यादा बड़े हैं. वहाँ पर ड्राफ्ट भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 23 मीटर्स का ड्राफ्ट है, विच इज़ द रीज़न कि वहाँ पर बड़ा शिप चलता है. यहाँ पर रिवर है कोची का, आई एम नॉट श्योर रिवर है या सी है पोर्ट. बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस. हम जब अंदर जाकर देख रहे हैं सिटिंग कैसी है, पूरा एयर कंडीशन है, 150 पैसेंजर्स कैसे बैठते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को देखकर. सिर्फ ये है कि अगर आप मेनलैंड के रहने वाले हो, आइलैंडर नहीं हो, तो आपको सी सिकनेस हो सकती है क्योंकि समुद्र में ऐसा ऐसा चलेगा रफ वेदर. लेकिन अगर आप उस बात को अवॉइड करना चाहते हो तो बड़ा शिप में जाओ कोची से लक्षद्वीप. बाकी कुछ और लक्षद्वीप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. हमें ये छत भी दिखाने लेकर के, वहाँ से आपको लगून्स कैसे दिख रहे हैं, बोट्स और शिप्स आगे के चल रहे हैं अंदर. इनको इन्होंने हमें कैबिन दिखाया जहाँ से शिप को कंट्रोल करते हैं, रेडार्स लगे हुए हैं. सर ग्रेट एक्सपीरियंस, आपने बड़ा हमें हेल्प किया इस तरह का एक्सपीरियंस पाने के लिए. जस्ट इन केस हमने कुछ अगर मिस आउट कर दिया तो बताइए. वन मोर प्लेस टू सी इन बेपोर इज ट्रेडिशनली बेपोर इज फेमस इन द वर्ल्ड मैप फॉर वुडन डोर्स बिल्डिंग, सो यू प्लीज ऑल्सो सी दैट.
So it nice of a you. Great experience for you. I'm so glad, sir. What's that called? Uruz. Otherwise, wooden doves. Wooden doves. It is famous in the world. Oh, thank you so much, sir. से एक बार हम information निकालते हैं कि कहाँ जा सकते हैं देखने. Sir, I'm so glad आपने हमारी help करी. Yes, sir. Thank you. याद रहेगा. Thank you so much. Finally, हम उरु देखने पहुँच गए. देखिए आपके सामने कितना बड़ा ship है. लकड़ी से बन रहा है. अंदर चलते हैं. दो ship यहाँ पर तैयार हो रहे हैं. जिसको उरु कहते हैं, एक हमारे राइट में और एक हमारे लेफ्ट में. हमारे साथ इस समय दो जेंटलमैन हैं, ये पिछले 40 साल से उरुस तैयार कर रहे हैं, जिसको अरब कंट्रीज में बेचा जाता है. तो 1.5 साल लगता है बनाने में. इन्होंने हमें ट्रांसलेट करके इनके थ्रू समझाया. 15 से 30 लोग इस पे काम करते हैं. तो सर हम ऊपर जाके देख सकते हैं. वाओ, सो ब्यूटीफुल. पहली बार जीवन में एक उरुस बनता हुआ मैं देख रहा हूं. ये वुड है, पूरा स्ट्रक्चर इस समय वुड में है. इनसे समझते हैं आयरन का कितना इस्तेमाल होता है उरुस को बनाने के लिए. देखिए आप साइज में कितना बड़ा है. अब डेक देख लेने के बाद अब ये हमें रूम का स्पेस दिखाने लेके चल रहे हैं. वाओ सर, ये रूम का स्पेस है. फैंटास्टिक. यहाँ रूम्स होंगे और डाइनिंग, फूड, लग्जरी, एयर कंडीशन होगा पूरा. फैंटास्टिक. तो सोचो 1.5 ईयर लग रहा है, ऑन ऑर्डर बन रहा है. सर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होता है एक पूरा, सपोज आई एम जस्ट फॉर नॉलेज. 12 to 15 crores. ह्यूज. 12 to 15 crore और 1.5 ईयर लगकर इतना बनता है. और सारा वुडन स्ट्रक्चर इस तरह के लग्जरी. यहाँ से जो उरु एक्सपोर्ट होता है अरब कंट्रीज में, ये 100-200 साल पुराना सिस्टम नहीं है, कम से कम 1500 या 2000 साल पुराना सिस्टम है. ये जगह तो इतनी फेमस है कि अगर आप उरुज डाल दोगे तो गूगल में बाय डिफॉल्ट ही आपको ये जगह देखने को मिलेगी. सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ये दिखाया. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू. चार बजने को है, अब हम टाउन की ओर जा रहे हैं. वहां जाके पहले लंच करते हैं. पैरागॉन रेस्टोरेंट बिरयानी के लिए बहुत फेमस है. चिकन बिरयानी अपने लिए हमने मंगवा ली है. साथ में इन्होंने दिया रायता, खजूर की चटनी, कोकोनट चटनी और ये खूबसूरत पापड़. मालाबार रीजन में ट्रेवल करते करते इतना हम समझ गए हैं कि बिरयानी में कायमा राइस इस्तेमाल होता है. यहाँ पर बासमती यूज में नहीं आता. ये है देखिए आप लेयर्स, जो बिरयानी में बहुत रोल और मीनिंग कैरी करते हैं. नीचे मसाला, ऊपर राइस, साथ ही साथ चिकन पीस डाल लेंगे साइज में बड़ा. वेरी गुड. अंदर एक पीस और है, इसका मतलब एक प्लेट में दो चिकन पीस. मैं इनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आप चिकन कौन सा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये भी मैंने यहाँ के देखा काफ़ी जगह डिफरेंट वेराइटीज चिकन की इस्तेमाल होती हैं. तो ये जो चिकन आप देख रहे हैं ये लगून चिकन है. ओह वाओ, देखिए कितना आसानी से चिकन बोन से अलग हो गया. टू गुड. आमतौर पे लगून चिकन में इस तरह का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओह सो सॉफ्ट. बहुत बेहतरीन. अभी तो मैंने खाया ही नहीं और मैं उसी जिस हिसाब से मैं चिकन पीसेज अलग हो रहे हैं ना, हाईली इंप्रेस हो गया हूँ. देखिए चिकन पीसेज एकदम आउट. लगून चिकन एक वैरायटी है चिकन की, जिसमें चिकन का साइज छोटा होता है, फ्लैश कम होता है दूसरे चिकन के मुकाबले में. बड़ा ही अमेजिंग टेस्ट है. सबसे खास बात है मॉडरेट स्पाइसेस है. दूसरी चीज, राइस ऑप्टिमम लेवल पे कुक हुआ है और चिकन का तो अभी मैंने खाया नहीं, उसके पहले ही मैं इंप्रेस हो गया हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से चिकन निकला और अभी हमारे सामने है.
कितना मजेदार कॉम्बिनेशन है. रायता इज फाइन, जस्ट ओके, लेकिन ये जो खजूर का इन्होंने अचार बना के दिया है ये बड़ा रॉकिंग है. थोड़ा थोड़ा बिरयानी खाओ और हल्के हल्के बीच में ऐसा हाथ से लो. खट्टा का खट्टा, मीठा का मीठा. एक बड़ी खूबसूरत बात ये है, स्पाइस मीडियम होने के बावजूद एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन घी के साथ. और क्या बोलते हैं ना कि कैसे फ्लेम पे आपने कुक किया, दम कैसे लगाया. अच्छा, दम से ध्यान में आ गया, मैंने पता लगाया यहाँ पे जो दम लगाते हैं ना उसमें कोकोनट शेल का इस्तेमाल करते हैं. ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि नीचे और ऊपर कोकोनट शेल को जला के रख देते हैं दम लगाने के लिए. समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, पहली बार मैं अपने जीवन में इस तरह से बिरयानी में दम लगता हुआ देखा. टू गुड, कहने का मतलब ये है कि मजा आ गया. ये जो बिरयानी है ना बहुत टेस्टी है, मैंने पहली बार भी खाया है और ये दाशमनी थर्स्ट के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थी भी है. फाइनली हम कैलीकट की मोस्ट फेमस मार्केट एसएम स्ट्रीट में पहुंच चुके हैं. यहाँ आने के मेरे दो प्राइमरी रीज़न हैं. पहली बात, मैं मार्केट देखना चाहता था बाहर से कैसे दिखती है. दूसरी बात, एक ज़माना था जब यहाँ पर बहुत सारी स्वीट्स मिला करती थी, आज की तारीख में यहाँ सब कुछ मिलता है. वैसे हम यहाँ पर हलवा खाने आए हैं. अंदर आते ही मैंने जो नोटिस किया, ये मार्केट बड़ी मज़ेदार है. दोनों तरफ शॉप्स तो हैं ही, उसके अलावा यहाँ पर टू व्हीलर फोर व्हीलर्स अलाउड नहीं है. आराम से आप शॉपिंग कर सकते हो. काफ़ी कुछ है, समझ लीजिए एवरीथिंग यू कैन गेट हियर. तो अब हम इस समय जा रहे हैं हलवा खाने के लिए. यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको हलवा मिलेगा. हमने रैंडमली एक शॉप चूज कर ली. ये जो सामने आप शेल्फ में देख रहे हो ये सारी हलवा की वैरायटीज हैं. कितनी वैरायटीज हैं आपके पास? 28 वैरायटीज. बाय गॉड, ये तो हमने कभी सुना भी नहीं था और यहाँ के देख लिया कि हलवा में 28 वैरायटीज हो सकती है और वो सब की सब आपको एक ही शॉप में मिल सकती हैं. जबरदस्त टेस्ट. ट्रेडिशनल कैलिकट हलवा, स्पेशल वीट हलवा. मिर्ची हलवा. क्या मिर्ची हलवा? मिर्ची मिर्ची मिर्ची. ये तो पहली बार सुना है कि हलवे में मिर्ची हो सकती है. ओह, मीठे के साथ साथ मिर्च. टेंडर कोकोनट. सब कुछ बढ़िया. अब मुझे लग रहा है सब मिला मुलू के मैंने 100-150 ग्राम हलवा तो खा ही लिया होगा सैंपल सैंपल में. इसका प्राइस क्या? 200 है. हाँ जी, 250, 300, 250. मेरे को ये ज़्यादा पसंद है टेंडर कोकोनट. इसका क्या प्राइस है? 200 रुपीज़ केजी. 1 kg. तो 250 ग्राम्स. ओके. सुबह 9 बजे के निकले, पूरा दिन घूम रहे थे, खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. शाम के 7 बज चुके हैं. इस समय हम कैलीकट सी बीच की ओर जा रहे हैं चहल पहल देखने. मुझे ऐसा लगता है एक दिन जस्टिस नहीं होगा कैलीकट को, कम से कम 2 दिन स्पेंड करना चाहिए. अगर बहुत सिलेक्टिव होके भी आप फूड एक्सप्लोर करो या साइट सीइंग करो तो 2 दिन तो कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. फाइनली हम कैलीकट बीच पहुंच गए. बीच के बाहर बहुत सारे यहाँ पे सी फूड के और नॉर्मल फूड के स्टॉल्स लगते हैं डेली बेसिस पे. ये तो हमने पिछली बार ही देख लिया था जब हम वायनाड जा रहे थे, यहाँ पे हम आधे घंटे के लिए रुके थे. मैं सोच रहा हूँ तब और अभी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि उस समय संडे का टाइम था और बहुत भीड़ थी, स्पीकर चल रहे थे. वो भी हमने आधा घंटा रुके खूब इंजॉय किया और अभी भी एक दो चीज़ें खाएंगे.
खाने से पहले एक बार फील ले लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। अभी हमने देखा मसल्स, वड़ा, थोड़ा आगे जाके फ्रूट्स और आगे आके गोभी के पकौड़े। अभी और आगे चलते हैं। बीच के सामने रोड पे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और बीच साइड पर भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। मेरे को अभी तक जितना मैंने देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि मसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो अभी किसी एक के पास रुक के सबसे पहले मसल्स खाए जाए। मैंने अपने लिए दो पीस ले लिया। मैंने बात करके पता लगाया मसल्स को राइस पाउडर के साथ बनाते हैं। यहाँ पे अंदर राइस पाउडर है, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ इस तरह से। ऑफ कोर्स कैलीकट आप जानते हैं कि गेटवे टू मालाबार, और यहाँ पर सी फूड की बहुत वैरायटीज है। बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस तरह से राइस फ्लावर को मसल्स के साथ मिक्सर बना के फ्राई करके खाना। तो एक बार के हिसाब से मेरे को ठीक लगा। इसमें मिर्च मसाले भी काफ़ी लो लेवल पे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि फीका है, लेकिन लो स्पाइसेस। यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं तो मैं समझ गया, क्योंकि हर थर्ड स्टॉल के पास मसल्स है। क्या है आपके पास? तो क्या चाहिए? मीठा मन से काटा मन से मीठा बनाता है। मीठा ऐसी एक चीज़ ना, मैंने ट्रिवेंड्रम में भी याद आ गया कि संतरे को वहाँ भी उन्होंने जूस निकाल के डाला था। चना, मूंगफली, वाह क्या बात है। ये क्या, शुगर सिरप? ये भी देखो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। मूंगफली, चने भुने हुए, काफ़ी सारी बर्फ, शुगर सिरप, टूटी फ्रूटी, सब्जा के सीड्स। बर्फ वैसे काफ़ी ज़्यादा है, मेरा गला ना ख़राब हो जाए। ठंडा ठंडा हो गया, शुगर सिरप की वजह से मीठा आ गया, और वो मूंगफली और भुने चने की वजह से थोड़ा थोड़ा फीका, नॉट फीका, नमकीन। तो ये दो चीज़ें मिल गई आपस में। ये तो बोलूँगा एक बार ट्राई करना बनता है। सर मुझे एक पाइनएप्पल दे दीजिए। ये क्या? ग्रेवी। अच्छा ठीक है, एक दे दीजिए। अच्छा ग्रेवी को पाइनएप्पल पे डाल के खाएंगे? सर पहली बार मैं देख रहा हूँ पाइनएप्पल पे इस तरह से ग्रेवी, और ये एक्सपीरियंस हमको यहाँ पर कैलीकट में आ गया। तो खाया नहीं अभी तक, अभी तो सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है। सो नाइस, सो नाइस। सर ये आपने ग्रेवी नहीं डलवाई उसमें? एक ग्रेवी नहीं है, एक ग्रेवी, एक ग्रेवी, एक ग्रेवी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ग्रेवी का आइटम नहीं है। ओके ओ माय गॉड, अच्छा तो है ही है, एकदम डिफरेंट टेस्ट हो गया। मतलब पाइनएप्पल के ऊपर इस तरह से गार्लिक, जिंजर, गजब, काफी डिफरेंट है। ऊपर से चिल्ली भी है, पाइनएप्पल चिल्ली मल्टीपल फ्लेवर्स के साथ, क्या गजब एक्सपीरियंस है। एक मेरे को ये दे दीजिए खीरा के साथ, ये ग्रेवी। वन बीट, वन बीट। अगर आप कैलीकट आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और संडे को आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी। आज वीकडे है, हम लोग बहुत इन्जॉय किया पिछले दो घंटा यहाँ घूमना और इस तरह से यहाँ का फूड एक्सप्लोर करना। आधे दिन भर कैलीकट घूमकर हम 8 बजे अपने रिजॉर्ट पहुंचे। मीटअप रखा था, दो लोग मिलने आए, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ढाई घंटे कब निकल गए बात करते करते पता भी नहीं चला। इस समय रात के 10:30 बजे हैं। रेस्टोरेंट में मैंने चेक किया, बूफे था, लेकिन मेरे को हैवी खाने का मन नहीं है। हल्का सा स्नैक खा के मैं सो जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने लिए दो ट्रेडिशनल
केरला फूड स्नैक्स मंगवाए हैं। अब इनके मैं लोकल नेम प्रोनाउंस नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ है चाइनीज पोटैटो विद पेपर फ्राई। छोटा पोटैटो बॉईल करके उसको पेपर के अंदर टॉस करके फ्राई किया, ऐसा मैंने इनसे समझा। सेकेंड डिश जो आप देख रहे हैं ये है चिकन विद बर्ड्स आई चिली। मेरे को ध्यान आ गया, बर्ड्स आई चिली मैंने पहली बार कूर कर्नाटका में खाई थी, बहुत तीखी होती है। नॉर्मल आलू के मुकाबले में ये छोटे आलू का टेस्ट में फर्क है, इसका भी टेस्ट अच्छा है और बड़ी सिंपल प्रिपरेशन है और सारे के सारे टेस्ट को काली मिर्च ड्राइव कर रही है। केरला परोटा आप मिस नहीं कर सकते, ये बात तो अभी तक आप जान ही चुके होंगे। और गोज विदाउट सेइंग कड़ी पत्ता, ये तो मतलब यहाँ के फूड की जान है। हाँ, आपके रेफरेंस के लिए ये आप जरूर देखिए बर्ड्स आई चिली का साइज कैसा होता है। मेरे को ग्रीन चिली बहुत पसंद है, मैं अक्सर खा लेता हूँ, लेकिन ये वाली ग्रीन चिली मैं खाऊंगा ना तो इजी नहीं है। कहने का मतलब ये है इसको थोड़ा थोड़ा खाना होता है, इसका स्वाद अच्छा खासा स्पाइसी होता है और जिनको पसंद आती है बहुत पसंद आती है। अच्छा, स्मॉल पीसेस, टेक्सचर खूबसूरत और लग रहा है देखने में टेस्ट भी लाजवाब होगा। क्या कमाल की प्रिपरेशन है, समा बांध दिया बोलते हैं ना टेस्ट में। जो आप चिली देख रहे हैं ना बर्ड्स आई, ये सारे के सारे टेस्ट को ड्राइव कर रही है। और क्या इनका सिस्टम है कि चिली को इन्होंने पीसा हाथ से, पीसने के बाद उसके अंदर इस पूरे चिकन को बनाया, ऑब्वियसली मैरिनेट करने के बाद। तो मैरिनेट का अलग फ्लेवर जो बेसिक जिंजर गार्लिक का फ्लेवर होता है, और साथ में एक एक पीस पे इस चिली का टच है। देखो ये एक इंडिविजुअल पीस, अंदर के चिली पीसेस। हाँ, ये है, इस तरह का टेस्ट एंजॉय करने के लिए आपको चिली एंजॉय होनी चाहिए, और मेरे को ग्रीन चिली बहुत पसंद है। अब आपको बाय बाय करने का समय आ गया। आपके रेफरेंस के लिए अगर आप कैलीकट आते हैं तो एक दिन की विंडो लेके मत आइएगा, कम से कम 2 या 3 दिन आप खूब एंजॉय करेंगे यहां का लोकल फूड और साइट सीइंग। अगर आप केरला आते हैं तो नॉर्थ केरला को अपनी जर्नी प्लान से मिस मत करिएगा। आज हमारी इस पूरी 17 दिन की जर्नी का आखिरी दिन है। अब सोचिए आप 70 डेज में हमने कितना सारा रीजन्स घूमे, हर क्यूजीन को ट्राई किया जितना कर सके और बहुत सारी साइट सीइंग करी, बहुत इंजॉय किया ये पूरे सफर को। एट द एंड ऑफ द डे केरला वी ऑल नो इज गॉड्स ओन कंट्री। बहुत फन है यहाँ पे घूमना और यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करना। और आपके रेफरेंस के लिए कैलीकट इज योर एंट्री गेट फॉर मालाबार रीजन। एनीवेज, अब इसको हम फिनिश करते हैं इंजॉय करते करते, और आपको जल्दी मिलेंगे नए डेस्टिनेशन के साथ, क्योंकि कैलीकट से हमारी केरला जर्नी समाप्त होती है। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।